हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवी के टिप्स। और मैं हूँ रेखा। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं कि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या रेमेडी बताने वाली हूँ। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है और आपका जो खर्चा है वो एकदम कम करने वाला वीडियो। और अक्सर मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आती हूँ जो आपके खर्चे को कम करवाए, यानी कि घर बैठे आपको अपने स्किन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कम खर्चे में सारी चीज़ें मैं आपको घर पर ही बता देती हूँ। तो ऐसा ही एक क्लिंजर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेस क्लीन करने के लिए। अगर अभी विंटर सीजन में आप धूप के मजे ले रहे हैं और धूप में बैठ बैठ कर आपके स्किन डल हो गई है, ब्लैक हो गई है, सनबर्न जैसा आपको शिकायत आने लग गया है आपके स्किन पे, तो ये दूर करने के लिए मैं रेखा आज एक DIY क्लिंजर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, जो लोग भी मेरा इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन इजीली मिलते रहेंगे। और जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आगे भी इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ क्लिंजर। और मैं सबसे खास बात इस क्लिंजर की आपको बता दूँ, ये क्लिंजर जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, यानी कि इससे ड्राई स्किन वाले, कॉमन स्किन वाले एंड आपके जो ऑयली स्किन वाले हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल स्किन टाइप का मतलब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, यानी हर किसी पे सूट करने वाला क्लिंजर है। और मार्केट में मिलने वाले जो क्लिंजर है काफ़ी कॉस्टली होते, काफ़ी कॉस्टली यानी कि 200 रुपये से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है, जो कि अप 2000 जाती है। हर किसी के लिए अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है, यानी कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो और हम सभी चाहते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में हमें अगर कोई चीज़ इजीली घर बैठे बहुत ही कम दाम में मिल रही है तो क्या बुरा। और कम दाम भी क्यों यार, ये तो बिल्कुल घर में बनने वाली चीज़ है, कुछ खर्चा ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्लिंजर में कैसे बनाने वाली हूँ। सबसे पहले हमें लेना है इसके लिए खाली बॉल, जैसे कि आप देख रहे हैं छोटा सा एक बॉल लिया है मैंने कांच का। और इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। और अगर आपके पास में कच्चा दूध नहीं है तो आप बॉइल मिल्क भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रॉ मिल्क लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, यानी कि ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब लिया है, आप अच्छे से देखिए। इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ हनी। हनी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, यहाँ पर मैं पतंजलि का हनी ले रही हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने हनी लिया है। इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है मिल्क के साथ में। एंड इसके अंदर अब मैं मिक्स करूँगी 1/2 लेमन जूस, ये मैंने पहले कट करके रख लिया है। तो इसमें हम कुछ बूंदे लेमन की ऐड करेंगे। और अगर इसमें इसके लेमन के अगर थोड़े से रैशेस भी आ जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक वो स्क्रबिंग का काम करेंगे। तो मैंने इसमें इसके जूस के साथ साथ में लेमन की जो स्क्रबिंग है वो भी ले ली है, ये आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा लेमन, ताज़ा लेमन है ये, एकदम बिल्कुल मार्केट से नहीं लिया है, बिल्कुल पेड़ में से तोड़ा हुआ लेमन है ये। इसके फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ इस क्लिंसिंग मिल्क के। इसमें जो हमने रॉ मिल्क लिया है ये काफ़ी अच्छा आपके स्किन को अंदर तक गहराई से डीप क्लीन करेगा, आपके पोर्स की सफाई करेगा एंड उसके पोर्स को ओपन करेगा और सारी गंदगी इसकी बाहर आ जाएगी आपके स्किन के अंदर की क्लिंजिंग मिल्क का यूज़ करने से। तो ये रॉ मिल्क को काम करेगा, लैक्टिक एसिड होता है मिल्क में तो वाइटनिंग भी देगा क्लीन करके आपके फेस को। एंड हनी जो है आपके स्किन को काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज करेगा, यानी कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होगी इसको यूज़ करने के बाद में। एंड जो लेमन है, लेमन जूस में काफ़ी अच्छी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है और ऑयली स्किन वालों के लिए ऑयल को कंट्रोल करने का काम करता है, ऑयल को आपकी स्किन में से कट कर देता है, लॉक कर देता है, जो कि आपके स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल का सिक्रेशन नहीं होता है। तो
तो ये बेनिफिट्स हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के जो मैंने आपको बताए। अब ये मैंने काफी अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है एंड इसको मैं लगाने का आपको तरीका बता देती हूँ कि आपने इसे यूज कैसे करना है। इसके लिए आपको एक ऐसा कॉटन पैड रेडी रखना है और ये कॉटन पैड जो है इसको इसमें डिप करना है कुछ इस तरीके से। इसको आप स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं और 3 से 4 दिन आराम से इसको यूज कर सकते हैं, खराब नहीं होगा। और कुछ इस तरीके से आपने इसको सर्कुलर मोशन में अपने स्किन को क्लीन करते जाना है। लेमन के जो ग्रेन्यूल आ गए हैं उसका बेनिफिट मिलेगा आपको, स्किन आपकी एकदम अंदर तक स्क्रबिंग का काम करके एक्सफोल्ट करेगी, डेड स्किन को बाहर करेगी। और काफ़ी सारे बेनिफिट हैं लेमन के, आपके स्किन को विटामिन सी भी इसी तरीके से मिल जाता है, जितनी भी ब्लैकनेस है वो आपकी दूर होती है आपकी स्किन से। अभी मैं आपको बताऊंगी कितनी सारी गंदगी रिमूव होती है। और लेमन के साथ में अगर आप ये क्लिंजर बनाकर लगाते हैं तो आपके स्किन के जो डार्क स्पॉट हैं, एक्ने के स्पॉट हैं, वो भी कम हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा जो कॉटन है वो कितना गंदा, कितना ब्लैक हो चुका है, यानी जो भी गंदगी है पूरी इसमें आ चुकी है। तो इस तरीके से आपको कम से कम 2 मिनट तक इस क्लिंजर को करना है। आप अपने नेक को भी क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद में हमें ठंडे पानी से जाके अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने फेस को वॉश कर चुकी हूँ एकदम ठंडे पानी से। कोई साबुन, कोई फेस वॉश आपको इसको इसके ऊपर यूज नहीं करना है। तो अब ये क्लिंजिंग मिल्क आपके फेस को काफी अच्छे से अंदर तक डीपली क्लीन कर चुका है। एंड इसके बाद में हमें यूज करना है टोनर, क्योंकि हमारे पोर्स जो है वो ओपन हो चुके हैं क्लिंजिंग करने के बाद में। उसे हमें ऐसे खुला नहीं छोड़ना है क्योंकि वापस गंदगी जो है, बाहर की डस्ट है, वो फिर हमारे स्किन में अंदर आ जाएगी। इसलिए हमें इसे ओपन पोर्स को श्रिंक करने के लिए कोई भी टोनर, रोज वाटर सबसे अच्छा टोनर होता है। अगर आपके पास कोई दूसरा टोनर अवेलेबल नहीं है तो रोज वाटर का सबके पास में होता है, उससे आप अपने फेस की कुछ इस तरीके से टोनिंग कीजिए। एंड आपको ऐसे हाथों से ड्रैपिंग करते हुए ही इस टोनर को सुखाना है। एंड ये जब टोनर आपका सूख जाए उसके बाद में आपकी स्किन एकदम टाइट आपको फील होगी और आपकी स्किन एकदम ब्यूटीफुल ग्लोइंग लगेगी एंड कोई भी मेकअप लगाने के लिए आपकी स्किन एकदम रेडी है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे रिजल्ट बताइए, यूज़ कीजिए इस चीज़ को, इस DIY को एक बार करके देखिए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, खुद पर अप्लाई नहीं करेंगे, आपको ट्रस्ट नहीं होगा गाइस। तो ज़रूर मेरी बताई हुई रेमेडी को एक बार फॉलो करके देखिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।